very good morning guys, welcome back to the channel and welcome to the day 2 of our journey. आज है हमारा day 2 और हम जा रहे हैं आनंदपुर साहिब से बीर और यहाँ पे सारे बंदे रेडी, ये आ गए, ये बाइक रेडी, सब लोड, अब बस यहाँ से निकलने की देरी है, निकल जाएंगे, ये रहे पूरे, चाय पिएंगे, फिर निकल जाएंगे, यहाँ से बीर है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर, 5 घंटे की दूरी, मज़ा आने वाला, आज आपको दिखेगा बढ़िया पहाड़ों के नज़ारे, और ये देखो छोटू, देखो जैकेट पहनते हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा मोटो ब्लॉग पर, दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया नज़ारे। गाइस वी आर रेडी नाउ, ऑल सेट, ऑल गियर्ड अप, सब बाइक पे है, यहाँ से अब निकल रहे हैं बीर के लिए। मज़ेदार आपको नज़ारे दिखाएंगे क्योंकि इस रूट पे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कैसे नज़ारे, मतलब ऑल हम में से किसी को नहीं पता इस रूट पे कैसे नज़ारे है, कैसी रूट्स है, तो इट्स गोना बी फन ब्रोस। सो गाइस हियर इज द व्यू, हमने ले लिया मनाली वाला रूट, अनंतपुर साहिब से यूटर्न लेके रूट जाता है मनाली तरफ, तो अभी हम उस रूट पे जा रहे हैं। ऑल्दो वाई एम नॉट, वी विल नॉट गो वाया मनाली क्योंकि शायद वहाँ से रास्ता आता भी नहीं है, और ये एकदम बढ़िया नज़ारा ऊपर अपने सूरज दादा, एकदम बढ़िया रोड, बस आज की राइड का मज़ा आने वाला है कि रोड्स अभी तक हमें पता चलिए लोकल से ही काफ़ी अच्छी है, और हम लोग पहली बार जा रहे हैं बट मज़ा आने वाला है, तो आने वाला है, बाकी जब दोस्त साथ हो अपने पास अपनी बाइक हो तो मज़ा तो आता ही है यार, जैसी मर्जी रोड से हो। तो भाई यहाँ पे मिल रहे क्रेजी क्रेजी नज़ारे और लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है ना बाइक उसको देख के, ज़बरदस्त एकदम। अभी जो आगे दो गाड़ी जा रही है उन दोनों ने हमें थम्स अप किया, हमारी वीडियो बनाई और बहुत ही बढ़िया, मतलब मौसम अपडेट देता हूँ आप लोगों को, धूप बहुत तेज़ है लेकिन मौसम ठंडा है, अगर आप बाइक पर चल रहे हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, बट अगर आप गलती से ही खड़े हो गए तो आपको पसीने आ जाएंगे, और यही है पहाड़ों की खूबसूरती कि धूप भी है एकदम तेज और मौसम भी ठंडा है। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8 और हमें लगेंगे 5 घंटे, तो वही है जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना फ़ायदा है क्योंकि वहां जाके फिर आराम करेंगे, मज़े करेंगे, रास्ते का मज़ा उठाते हुए जाएगी, लेकिन रास्ता इंजॉय करना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं आप ब्रश चलाते रहो फिर जाके वहाँ जाके बैठ जाओ, रास्ता इंजॉय करो, वहाँ जाके अलग इंजॉय करो। और आज हमारा और भी प्लान है वहाँ पहुँच के, वो हम आपको वहाँ पहुँच के बताइए क्या करना है हमने आज, क्या हमारी आइटनरी में है और क्या क्या हम करेंगे। ये देखो एक ज़रा छोटा साथी हमारा, इससे मिलवाता हूँ, ये है चरण का हाथी, ट्रैवल बडी, ये इसका हर जगह जाता है छोटू सा। तो ये हो रही है हमारी हिमाचल की एंट्री, ये आ गया हिमाचल का गेट, कितना ही सुंदर है यार, यहाँ पे रुक के शायद एक फोटो खींचेंगे, गोप्रो हैंग हो गया क्या, ये गोप्रो जो हमेशा काम के टाइम पे हैंग हो जाता है, तो इसकी फिर से बैटरी निकालेगा भाई और सही करेगा इसको, गोप्रो मत लेना वो बोल रहा है, सुन लो GoPro की बहुत बड़ी दिक्कत है यार, ये हैंग बहुत होता है। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं अपनी पहली टनल और यहाँ पर मचाएंगे थोड़ा GT का शोर, एग्जॉस्ट के फायदे उठाएंगे थोड़े से, जाम लगा हुआ है टनल में, जाम क्योंकि ट्रक चल रहा है बड़ा सा, ये देखो भाई ने क्या गंदी ओवरटेक करी है भाई, देखा भाई ने सैडल बैग ने उसको BSU कैसे हिलाया यही दिक्कत है सैडल बैग की ना, कभी कभी वो नहीं कर पाते जज कि कितनी जगह है, कितनी जगह आपको निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, पर यहाँ पे अच्छी वो नहीं है यार, यहाँ पे अभी लगता है टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी ही धुआं हो रखा है, तो वीडियो अच्छी आएगी नहीं, तो आपको बाहर दूसरे नज़ारे दिखाते हैं, अगर कोई और टनल आती है साफ सी वो दिखाते हैं। तो भाई देखो अपने को मिले KP भाई स्पीति जाते हुए कोई ना साथ चले जाके तक बढ़ाते हुए। तो हम लोग रुके थे नज़ारा दिखाने के लिए और यहाँ पे अपने को अपने भाई लोग मिल गए,
ये लोग जा रहे हैं स्मृति, हम लोग जा रहे हैं वीर, तो मजा आने वाला। अब काफी राइडर्स हो जुड़ गए तो कभी काफी रूट तक कवर करेंगे। और तो दोस्तों हम लोग रुके एक पॉइंट पे, यहाँ पे व्यू बहुत बढ़िया है, देखो पीछे कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ से तो भी आपको दिखेगा फिर से ड्रोन शॉट एक बढ़िया सा। तो और यहाँ पे अपने को बंदे और भी मिल गए थोड़े से, लेकिन नज़ारा देखो कितना ही प्यारा है, मतलब अल्टीमेट। मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, ये देखो हेलो कितना सही है वहाँ पे, पूरा पहाड़ इतने एकदम साफ ग्रीन पानी, अल्टीमेट। और जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने का अभी तक, जबरदस्त। क्या हो गया रुड़ा तो क्या हो गया, बट ना उधर से लोग है ना तो सूरज की वो नहीं आएगी या सूरज की ले आएगी। तो अभी यहाँ पे ड्रोन की वो हो रही है, कहाँ से उड़ाना है तो आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मंडी। अभी हमने पीछे ब्रेकफास्ट किया था और वहाँ पूरी रूट पे हमने बनाई बढ़िया बढ़िया रीलें अलग अलग एंगल से, और वो आपको सारी रील्स देखने को मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम चैनल एक्सप्लोर विद सुमो पे, तो उसको फॉलो करने ना भूले। और आप एक्सप्लोर बीच को कर लेना, उसने थोड़ी सी बनाई है तो हमसे कोलैब करेगा वो तो हम दोनों को फॉलो करना ना भूले। और आपका ब्लॉग पसंद आ रहा है, नज़ारे पसंद आ रहे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दो यार, रीच बढ़वा दो। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा नहीं रहे हो, यहाँ कुछ हो नहीं रहा, इतनी मेहनत चल रही है, इतना पेट्रोल लग रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, तब भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। और यहाँ पे एक और राइडर जा रहे थे जावा पे। तो दोस्तों ये रास्ता चालू होता है भीड़ जाने के लिए। अब देखो कितनी रोड पतली हो गई है, सिंगल लेन है, टू वे एकदम। और ये देखो बहुत पतली रोड, मनाली के लिए रूट कट रहा था राइट, हमने लिया लेफ्ट और हम इस रोड पे आ चुके हैं। अब शायद भीड़ तक सेम रूट जाएगा। और जहाँ देखो क्या मज़ा आ रहा है, इस रोड पर चलाने का भी अलग ही मज़ा है भाई साहब। जो छोटी सी रोड, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस काम आता है सिर्फ बाइकिंग में ना, और आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, अगर नहीं कर रहे तो आपको मज़ा आएगा। अभी तो मज़ा आ रहा है, सामने से बस आ गई और ये पीछे से बंदे जो मेरे साथ फोन में कनेक्ट है बकचोदी मारे जा रहे हैं। तो ये देखो रास्ता, ये जा रहा है गोस्ट चॉप्स की तरफ, क्या एकदम खड़ी चढ़ाई है, पतले रोड। यहाँ से गोस्ट चॉप्स है 3 किलोमीटर, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन है, यहीं पे हमारा स्टे है 2 दिन अगला। यार ये देखो कितनी ऊपर सही पैराग्लाइडिंग कर रहे लोग, दिख रहे हैं आप भाई, ये पैराग्लाइडिंग साइड है एकदम। ओ भाई हमें भी यही करनी है कल, देखते हैं कैसा मजा आएगा, कैसी सजा मिलेगी। It's gonna be a hell of an experience. This is the parking? Oh man, no man. Initial review, no parking, no मजा। बाकी अच्छा बाद में बताते हैं। This is the ghost of entry. Entry is quite nice. Ambiance अभी देखते हैं कैसा है ये, वो भी देखते हैं अभी। Okay, let's see how it will look. ये है इसका रिसेप्शन एरिया, दिस वन लुक्स नाइस यार। ये कॉमन एरिया होगा गाइस, अभी चेक इन करते हैं फिर देखते हैं। सो ये है डॉम, 6 बेडेड, हमारे 5 बेड यहीं हैं,
फोन ढूंढ रहा भाई अपना। ये है कुछ इसका एंट्री, ये है कॉरिडोर और छोटा सा ये, देखते कैसे एक्सपीरियंस आता है। फर्स्ट टाइम हमने ये बुक किया है, ये सारे छः लॉक कर हर बेड कर, महंगा बहुत है लेकिन। एंड ये वॉशरूम है कॉमन फॉर सिक्स पीपल। एंड ये देखो आप, इसके अंदर सब में सॉकेट लगे हुए, दो लाइट लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, आपके लिए सामान रखने की जगह रखी हुई है। तो इट इज़ हालत देखो क्या और रखी है। अभी सामान लेके आते बाइक से, फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो नाउ हम रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं वीर को एक्सप्लोर करने। अभी हम करेंगे कैफे एक्सप्लोर और यहाँ देखो कितना ही पास से जा रहा है। और यहाँ पे है सनसेट पॉइंट। ओहो, अभी यहाँ थोड़े व्यू के नज़ारे लेके, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे हर जगह पे। रामजू यहाँ व्यू बहुत अच्छा है हर जगह पे, कहीं भी देख लो व्यू बहुत बढ़िया है। अरे व्यू देखना तू, मार्केट छोड़, चलो ऊपर यहाँ पे, यहाँ से सनसेट देखेगा अभी मस्त। और कल अपन लोग भी करेंगे पैराग्लाइडिंग। ये देखो ये लैंडिंग साइट है बेसिकली भीड़ की, वहाँ पे सारी देखो वहाँ सारी लैंडिंग साइट है। यहाँ सनसेट हो रहा है, यहाँ पे देखो कितना हिस्सा ही लग रहा है। कल हम लोग भी यही कर रहे होंगे, कल आपको बढ़िया व्यूज़ दिखाएंगे ऊपर से, ट्राई करेंगे 360 में अगर यूज़ कर पाए तो। और बहुत ही सही नज़ारे है यार, बहुत सही। तो भाई सनसेट हो गया, अब देखो कितना ही सही लग रहा है, ऑरेंज स्काई और क्लाउड्स देखो यार। इधर देखो वो है स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का, एंड दिस इज़ दी लैंडिंग पॉइंट। तो अभी हम बात कर रहे हैं मतलब प्राइसिंग की और स्लॉट्स वगैरह की, हम डिसाइड कर रहे हैं हम सनसेट वाला करेंगे क्योंकि दिन में बहुत धूप होगी। सो क्या डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ? अभी डिसाइड करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे होगा। रात के बज रहे 12, मुझे एक फील लगे झींगा। अंदर नहीं कर सकता तू, अंदर करके जा रहा हूँ।